हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आई एम डॉक्टर सुनीता मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ टेक्स्ट ऑफ द एसे द गिफ्ट ऑफ द मैजाई बाय ओ हेनरी। $1.87 दैट वॉज ऑल and 60 cents of it in the smallest pieces of money, pennies. Pennies saved one and two at a time by negotiating with the man at the market who sold vegetables and meat. Negotiating until one's face burned with the silent knowledge of being poor. Three times Della counted it, $1.87, and the next day would be Christmas. The gift of the Magi में two characters हैं, Jim और Della. Della और Jim आने वाले जो Christmas है उस पर एक दूसरे को gift देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन Della अपने जमा की हुई जो अमाउंट है उसे काउंट करती है और $1.87 ही उसके पास मेमली होते हैं। ये भी उसने बहुत ही एक एक सिक्का या एक दो रुपए करके उसने जोड़े। कैसे? कभी सब्जी वाले से बहस करके, बार्गेनिंग करके एक दो रुपए बचा लिए और उन्हें अपने पास में रख लिया। इतने ही पैसे वो बचा पाई थी। देयर वॉज क्लियरली नथिंग टू डू बट सिट डाउन। Della अब के लिए कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं कर सकती थी, इतने ही पैसे थे। वो केवल बैठ गई उसके और रोने लगी। सो Della क्राइड, विच लेड टू द thought that life is made up of little cries and smiles, with more little cries than smiles. Della finished her crying. Della ने रोना धोना छोड़ा and dried her face. अपने चेहरे पे जो आंसू से गीला हो गया था उसे सुखाया. She stood by the window. वो विंडो के पास आकर के खड़ी हो गई एंड लुक्ड आउट अनहैप्पीली एट अ ग्रे कैट वॉकिंग अलोंग अ ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड। वो खिड़की से बाहर देखने लगी, बिल्कुल उदास थी, अनहैप्पी थी। वहाँ पे कैट वॉक कर रही थी, ग्रे कलर की कैट थी। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे। टुमारो कल क्रिसमस आने वाला था एंड शी हैड ओनली $1.87 टू बाय हर हस्बैंड जिम अ गिफ्ट। जिम के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए केवल उसके पास में $1.87 ही थे। शी हैड बीन सेविंग एवरी पैनी शी कुड फॉर मंथ्स। कई महीनों तक उसने एक एक पैनी, एक एक सिक्का तक जमा किया था विद दिस रिजल्ट। और रिजल्ट क्या निकला? केवल इतने ही पैसे वो जोड़ पाई। जिम अर्न्ड $20 अ वीक। अब यहाँ पे जिम के बारे में बता रहे हैं, हस्बैंड जो है Della का, वो $20 कमाता था, विच डज नॉट गो फॉर, जिससे उनका गुजारा भी मुश्किल से चलता था। एक्सपेंसेस, खर्च जो था, हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड एक्सपेक्टेड, दे ऑलवेज आर। मैनी अ हैप्पी आर शी हैड स्पेंट प्लानिंग टू बाय समथिंग नाइस फॉर हिम। उसने कई दिन सोचे कि कई घंटे गुजारे कि जिम के लिए वो क्या खरीदे। Many a happy hour she had spent planning to buy something nice for him, something fine and rare. वो कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहती थी जो कि फाइन हो, रेयर हो, something close to being worthy of the honor of belonging to him,
ऐसा कुछ जिसे पाकर के जिम को अपने आप पे गर्व हो, उसे और भी सम्मान मिले लोगों से। देर वॉज अ टॉल ग्लास मिरर बिटवीन द विंडोज ऑफ द रूम, रूम की जहाँ डेला खड़ी थी, उसके रूम की दो जो विंडोज थी उनके बीच में ग्लास मिरर लगा हुआ था। सडनली डेला टर्न फ्रॉम द विंडो, अचानक डेला विंडो से टर्न हुई एंड स्टूड बिफोर द ग्लास मिरर, और मिरर के सामने खड़ी हो गई एंड लुक्ड एट हर सेल्फ, और अपने आप को देखा। हर आईज वर शाइनिंग, उसकी आंखें चमक रही थी, बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर विद इन 20 सेकेंड्स। लेकिन जो फेस है उसका कलर उड़ गया था। क्विकली शी पुल्ड डाउन हर हेयर, जल्दी से उसने अपने बाल नीचे खोले एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, पूरे लंबे बाल उसके जो थे नीचे तक खोल दिए उसने। नाउ मिस्टर एंड मिसेस डेल जेम्स डेलिंगहैम यंग हैड टू पोजीशंस। मिस्टर एंड मिसेस जेम्स डेलिंगहैम यंग हैड टू पोजीशन। जेम्स डिलिंगम कौन है? मिस्टर जिम और मिसेस कौन है? डेला। हैड टू पोजीशन, उनके पास में दो पोजीशन सी विच दे वैल्यूड। वन वाज जिम्स गोल्ड टाइम पीस, द वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स। उसके पास में एक गोल्ड वॉच थी जो कि उसके फादर ने को उसके ग्रैंडफादर ने दी थी और उसके फादर से उसे मिली। द अदर वाज डेलास हेयर, दूसरी जो पोजीशन थी उनके पास में जो संपत्ति थी वो थे डेला के हेयर। डेला के बाल बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत लंबे और सुंदर बाल थे। दो पोजीशंस थे उनके पास में। हैड द क्वीन ऑफ शिबा लिव्ड इन देयर बिल्डिंग, डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट द विंडो टू ड्राई जस्ट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द क्वीन्स ज्वेल्स। अगर क्वीन ऑफ शिबा भी वहाँ पे रहती, बहुत ही खूबसूरत क्वीन जो थी, तो उसकी जितने भी ज्वेलरी थी उनकी शाइन भी आउटशाइन हो जाती। डेला अगर अपने बालों को सुखा देती उस विंडो के पास में, अपन खड़ी होकर के बाल सुखा देती, तो उसकी सारी ज्वेलरी की चमक भी फीकी पड़ जाती। इतने खूबसूरत बाल डेला के थे, तो डेला के खूबसूरत बालों की तुलना हो रही है यहाँ पे। सो नाउ डेलाज ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर शाइनिंग लाइक अ ब्राउन वाटरफॉल। डेला के बाल नीचे तक जैसे उसने गिराए वैसे लग रहे थे जैसे कि कोई ब्राउन कलर का वाटरफॉल यहाँ पे हो। इट रीच्ड बिलो हर नीज, उसके बाल उसके नीज तक जा रहे थे एंड मेड इटसेल्फ ऑलमोस्ट लाइक अ कवरिंग ऑफ कवरिंग फॉर हर। एंड देन क्विकली शी पुट इट अप अगेन, उसने जल्दी से अपने बाल बांधे। शी स्टूड स्टिल वाइल अ फ्यू टीयर्स फेल ऑन द फ्लोर, वो एकदम से एक जगह पे खड़ी रही, कुछ आंसू उसके आंखों से गिरे फ्लोर के ऊपर। शी पुट ऑन हर कोट, उसने अपना कोट पहना एंड हर ओल्ड ब्राउन हैट, अपनी पुरानी ब्राउन हैट भी पहनी। विद अ क्विक मोशन एंड ब्राइटनेस स्टिल इन हर आईज, क्विक मोशन से ब्राइटनेस उसकी आंखों में, बिल्कुल ब्राइट आंखें उसकी हो गई थी। शी डांस्ड आउट द डोर, वो डोर से बाहर निकली, डाउन द स्ट्रीट गली में पहुंच गई। वेयर शी स्टॉप्ड द साइन रीड, फिर वो गली में आगे जा रही थी जहाँ पे एक बोर्ड आया जहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैडम सॉफ्रोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, इस नाम का बोर्ड आया। तो वहाँ पे रुक गई डेला। डेला रेन अप द स्टेप्स टू द शॉप, डेला उस शॉप के अंदर गई, ऊपर जा कर के थी वो सीढ़ियों पे चढ़ी, आउट ऑफ ब्रेथ
सांसें उसकी एकदम तेज चल रही थी। विल यू बाय माई हेयर, आस्क डेला। डेला ने वहां जा करके मैडम सॉफ्रोनी से पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदोगी? आई बाय हेयर, सेड मैडम। मैडम सॉफ्रोनी ने कहा, हाँ मैं बाल खरीदती हूँ। टेक योर हैट ऑफ, अपनी हैट हटाओ, एंड लेट अस हैव अ लुक एट इट टू, हमें देखने दो कि कितने लंबे बाल हैं तुम्हारे। डाउन केम द ब्यूटीफुल ब्राउन वाटरफॉल ऑफ हेयर। जैसे ही डेला ने अपने खूबसूरत वाटरफॉल जैसे बाल नीचे गिराए, $20, सैड मैडम। मैडम सॉफ्रोनी ने कहा, इन बालों के तो मैं $20 ही दूंगी। लिफ्टिंग द हेयर विद एन एक्सपीरियंस्ड हैंड, एक्सपीरियंस्ड हाथ से उसने डेला के बालों को उठाया। मैडम सॉफ्रोनी ने कहा कि मैं इसके $20 दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी का जो लेसन है। थैंक्स अ लॉट।